अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर अमेजिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका भाई शाहजेब भाई हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको आई थिंक सो थोड़ी बहुत जजमेंट तो होगी ये वीडियो कैसी है कैसी नहीं है। तो मैं आया हूँ एक बार्बर की शॉप पे, ये देख सकते हैं। अनस भी मेरे साथ है। अनस क्यों मेरे साथ है? मैचिंग मारी हुई है भाई, मैचिंग मारी हुई है। आज मैचिंग भी मारी है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं यार? दोनों क्लीन शेव करवाने वाले हैं। दोनों क्लीन शेव करवाने वाले हैं भाई। डेढ़ है तो यार, दिल नहीं कर रहा दाढ़ी कटाने का, लेकिन अब क्या करें यार। मैंने तो अभी आपको पता है, पिछला व्लॉग आपने देखा था, मैंने बीएड बहुत अच्छी स्टैचेस वगैरह रखी, बीएड सेट करवाई। तो यार जो चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, हिट द लाइक बटन और शेयर विद योर फ्रेंड्स माई वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। और भाई जिसने ये चैलेंज लिया ना उसको मैं मिलूंगा, बहुत अच्छे से मिलूंगा कि मेरी दाढ़ी इतने मजे की तुम लोग पूरी कटवाना चाह रहे हो, मैं कह रहा ट्रिम करवाऊं सिर्फ। मिलूंगा बच्चे यार। अभी क्लीन शेप मुझे भी चैलेंज ही मिला। नस यार मैं भी तेरे साथ करवा रहा हूँ यार। जिसने भी चैलेंज दिया उसका नाम तुमने मुझे बताना है। बस ठीक है, वो तो तुझे नाम बाद में बताऊंगा। हेड टेल करेंगे, जो हारा वो सबसे पहले बैठेगा। डन है। ऑडियंस बिल्कुल लाइव जा रहा है, देख सकते हैं जो। ठीक है, हेड टेल करेंगे, जो हारा ठीक है तो वो पहले बैठेगा। डन है, ओके डन है। फिर वो सो फाइनली मेरे साथ एक और बंदा जूद है, वो है ज़ैद। तो क्या सीखा यार तूने? फिर क्या सीन है क्या? हम लोग यार मैं तो बस आया हूँ भाई दोनों को चिकना चिकना बनते हुए देखते हुए। मजे भाई, तुझे चैलेंज नहीं मिला यार। अब मुझे ये बताओ कि चैलेंज दिया किसने था? अभी बता दे। पता नहीं भाई मुझे तो, तू अभी बता यार। मैं तो कहता हूँ अभी चैलेंज नहीं बताते, बाद में बताते हैं। पूरी वीडियो वॉच करो यार, बहुत सी मस्तियां होने वाली है यार। वेट फॉर द एंड, वेट फॉर द एंड। सो फाइनली यार लोग टॉस करने आए हैं हेड टेल का। हेड या टेल? हेड्स। हेड्स। तो चले फाइनली आपके सामने बकायदा टॉस हो रहा है। हेड। और फाइनली मैं जीत चुका हूँ और अभी अनस कुर्बानी का बकरा बन जाएगा। और सबसे पहले अनस बैठेगा, मैं बैठूंगा दूसरे नंबर पर। सो फाइनली बैठे आप भाई। आज इसको करनी है क्लीन शेव फुल, इसको चिकना करके भेजना इसके, समझ रहे हो? समझ रहे हो? आपका मैं बैठूंगा ठीक है। क्यों नहीं हो सकता चिकना? कुदरती। ये अनस है, देख सकते हैं आप, चिकना बनने जा रहा है। इसके बाद मेरा नंबर है, खैर है, तू टेंशन ना ले भाई। अनस साहब दाढ़ी हटाते हुए शेव करवाते हुए, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? बहुत बुरी। अभी 10 मिनट बाद मेरी भी शायद यही फीलिंग्स हो ना। मज़ा आएगा। क्या मज़ा आएगा? दाढ़ी कटवाते हुए बच्चे। चलो देखते हैं। मुझे भी हटाएंगे जी, मेरी भी हटाएंगे। ओ माय गॉड, बहुत अच्छे बात भी गई भाई। कैसा क्या फील कर रहे हो आप ज़ैद? क्या कहना चाहिए? चिकना हो गया साले, चील की निगाह मेरी साइड से चिकना वाली। ये साइड रखी होगी। वाह, अच्छे ऐसे ही छोड़ दे, खुदा की कसम 2 दिन के लिए। डेढ़ देता हूँ मैं तुझे, ऐसे ही छोड़ दे 2 दिन के लिए। पहले डेढ़ से बताना आ गया तू मुझे। और ये डेढ़ दिया किसने था? ये तुझे वीडियो के बाद मैं भी शेयर करवा के उसके बाद तुझे पता चलेगा। लड़का लड़की है? लड़की है। फिर बात चाहिए देख, कभी आधी दाढ़ी उतरी नहीं है, खरक पहले ही शुरू हो गई इसकी। ओहो ओहो, शायद अभी इसके बाद मेरी फीलिंग भी ज़ाहिर शायद यही हो ना। बच्चे तेरे साथ इससे भी बुरा होगा। मैं तो पहली दफा बताऊँ शेव के बगैर क्या लगेगा, सोच। A1 भाई, क्यूट ब्यूटीफुल छक्का, समझ गए? मैं 2 छक्कों के साथ घूमूंगा। ना बोलेंगे चार्ली चपलिन का बेटा हुआ है। देख ले तुझे क्या क्या बोल रही है। तो यार अभी मेरी फीलिंग्स भी बड़ी ऊपर नीचे हो रही हैं कि मैं ऊपर नीचे क्या? एक सेकंड, इस बात का क्या मतलब था? एलोबरेट प्लीज। समझ रहे हो? A few moments later. भाई तैयार हो रहे हैं, निकाह भी इनका करीब आ रहा है। तो यार देख सकते हैं अनस साहब उठ गए हैं, अभी मेरा नंबर आ गया। आ जाओ। किधर आ जाओ? बैठना। मैं क्यों बैठूं? मैंने तो नहीं बोला था ऐसा। क्या मतलब मैं क्यों बैठूं? यार अच्छा ये बात नहीं है खान, अब तूने मुझसे क्लीन शेव करा के अब तू कह रहे क्या मतलब? क्या मतलब? मैंने तो प्रैंक किया था तेरे साथ, बहुत मुश्किल से मैंने तो प्रैंक किया था तेरे साथ। ये क्या गाइस, सॉरी गाइस, मैंने इसके साथ प्रैंक किया और ये सीरियस हो गया था और इसने क्लीन शेव भी करवा लिया। इसने मुझे तो पहले ही बता दिया था कि मैं नहीं करवाऊंगा इसके बाद। यार मैं तो कभी नहीं करवाऊंगा, वो भी क्लीन शेव मैं करवाऊंगा। आई एम सॉरी अंदर से बदला बच्चे तो ऐसे लूंगा, तू मेरा बच्चा। गाइस मैं बाहर आ गया हूँ। यार ये बंदा मुझे मारने के लिए आ रहा है। बहुत मजे की इसके साथ प्रैंक किया मैंने, आप देखे आप सबने यार कैसा प्रैंक है। वो इधर खड़ा हुआ मुझे देख रहा है। इसकी हालत वही समझ सकता है इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये फिर आ रहा है। फाइनली यार मैं इनसे पहले भाग के आगे पहुंचे हैं। ये दोनों ये आ रहे हैं। क्या बचा जैन हाउस फीलिंग नो, पूरे रास्ते पे इसने मुझे क्या बोला यार। गाइस आज की वीडियो का आपके लिए मैसेज है कि कभी दोस्तों पे यकीन मत करना। ऐसे क्या सही खेल गया मैंने क्या किया भाई। यार ये व्लॉग बहुत मजे का और बहुत फनी हुआ है। आज का मैसेज है मेरी नजर से आपको क्या नहीं करना चाहिए। दिस इज गॉड ट्रांसफॉर्मेशन। कमीने दोस्तों पे यकीन नहीं करना कभी भी। कमीने नहीं, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त। यार इसकी हालत अभी ऐसी हुई है जब कोई बेजान, वो बेजान कह रहा हूँ, ईद पे जानवर जैसे कंट्रोल नहीं हो रहे होते ना। सो गाइस यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को दी एंड करता हूँ। मैं जाके इसको मनाता हूँ। यार बहुत एंजॉय किया होगा आपने इस व्लॉग को देखे। ओए नहीं यार आज का दिन हमारा टारगेट है, हमने इससे दूर दूर रहना है। बंदा कभी मैं तो इससे दूर रहता हूँ। मैं तो अभी जाता हूँ अपने घर। यहाँ पे मैं अनकंट्रोल हो गया ना ये। यहाँ पे मैं जाके वीडियो को दी एंड करता हूँ। होप सो कि आपने वीडियो एंजॉय की होगी। यहाँ पे खड़ा होकर ये सोच रहा है कि ये घर में एंटर कैसे होगा। कसम से बेटे नहीं छोड़ती, क्या नहीं होता नहीं छोड़ते यार। क्या कहेंगे घर वाले? बोलेंगे दाढ़ी मूंछ की। घर वाले बोलेंगे ओम नमः शिवाय। यार बहुत फनी लग रहा है। चलो गाइस इसको मैं जाके मनाता हूँ, जरा चिंते चिंते करते हैं अपना मुंह काला। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंजॉय मारे वीडियो को, मैं इसको जाके मनाता हूँ। और आज की वीडियो का मैसेज ये था कि कभी आप किसी अपने दोस्तों पे यकीन मत करना कभी भी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।